the all-new Skoda Scala. दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम बात करेंगे ऑल न्यू 2020 स्कोडा स्काला के बारे में। स्कोडा स्काला एक प्रीमियम हैचबैक कार है, पावरफुल 1 लीटर 1.5 लीटर TFSI इंजन्स के साथ ऑफर की गई है। अभी जो आप देख रहे हैं इसको वर्ल्ड में कहीं भी लॉन्च नहीं किया गया है, ये टोटली बेस की गई है MQB प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि वोक्सवैगन ग्रुप ने सोलली डेवलप किया है उसकी स्मॉल हैचबैक और स्मॉल SUVs के लिए। इसमें टोटल उन्होंने एक्सपेंड किया है $60 बिलियन का, तो ये एक काफ़ी बढ़िया एक प्रोडक्ट है आपके सामने। अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की और इसके ओवरऑल लुक्स की, तो स्कोडा स्काला एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुकिंग और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली एक आप प्रीमियम हैचबैक कार कह सकते हैं इसे। इसका डायरेक्ट कंपटीशन अगर आप बात करें इंटरनेशनली तो वो है वोक्सवैगन की गोल्फ जो आपने अभी रिव्यू में देखी होगी, तो अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कीजिए। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको इसमें डिज़ाइन मिलता है, अगर आप फ्रंट का लुक भी देखते हैं इसका तो काफ़ी यूनिक सा आपको इसमें सारा कुछ मिलने वाला है। बाकी मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ क्या इसके पूरे स्पेक्स आपको मिलते हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको मिलती है। तो अगर आप स्कोडा स्काला को देखते हैं तो ये कुछ दिखती है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुकिंग आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट का डिज़ाइन आपको एक आइडेंटिकल स्कोडा का डिज़ाइन एलिमेंट मिलेगा जैसे कि आपको ऑक्टाविया में मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। होने को ये एक हैचबैक कार है लेकिन इसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो एक स्पोर्टी सेडान कार की तरह मिलने वाली है। 1.5 लीटर का TFSI इंजन आपको इसमें मिलेगा, लेकिन इंडिया में अगर ये लॉन्च हो रही है तो इसमें आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन दिया जा रहा है, वो है 1 लीटर का TFSI इंजन जो कि सेम यूज़ किया जाता है Audi A1 में और Volkswagen T-Cross के अंदर। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। पावर फिगर है इसके 115 BHP के और 200 NM का इसका टॉर्क आउटपुट है 1 लीटर के TFSI इंजन के साथ। स्कोडा इंटरनेशनली 1.6 लीटर का TDI इंजन भी इसमें ऑफर करने जा रही है, लेकिन इंडिया में उसका आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया में इसमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि है 1 लीटर का TFSI इंजन। तो अगर आप इसके साइड प्रोफाइल को अभी तक देख रहे हैं तो साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की कुछ ऐसी है, एक हैचबैक डिज़ाइन है, एक प्रीमियम हैचबैक कार आप इसे कह सकते हैं। और इसमें आपको ऑफर की गई है मून रूफ, यानी कि यह स्लाइड नहीं होती है लेकिन इसका जो कर्टेन है ये आप अंदर से स्लाइड कर सकते हैं जो कि इसको एक इंटीरियर में काफ़ी बढ़िया लाइटिंग आपको दे देता है। और ये इसका एक मैं से कहूँगा फीचर है। रियर की अगर आप इसकी प्रोफाइल देखते हैं तो रियर की प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक गोल्फ डिज़ाइन, जैसे कि आपको Volkswagen की गोल्फ मिलती है वो इंस्पायर्ड आपको डिज़ाइन मिलेगा। टेल लैम्प्स का बात करें और अगर आप टर्न इंडिकेटर्स भी देखते हैं तो वो आपको फ्लोटिंग डिज़ाइन में मिलते हैं पूरे, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बॉक्सी डिज़ाइन ना देते हुए इसको काफ़ी ज़्यादा कर्वी डिज़ाइन दिया गया है, एंगुलर डिज़ाइन दिया गया है जो कि इसको एक अच्छी चॉइस बनाते हैं। 18 inches के आपको देखिए इसमें अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है। जो आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है वो दिया गया है 160 mm का। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ज़रूर कम है लेकिन जिस परफॉर्मेंस को ये अपने साथ लेके आ रही है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये प्राइसिंग में जाने वाली है नियर अबाउट, अगर आप बात करें तो ये किया सेल्टॉस से ज़्यादा कॉस्टली होगी क्योंकि जो इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी मिल रही है और जो फिट ऑफ फिनिश आपको मिलेगी वो टॉप नॉच की होने वाली है। इसीलिए स्कोडा इसको 1 लीटर TFSI इंजन के साथ लॉन्च करेगी, इसी कारणवश थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये अभी सोलली बेस्ड है MQB प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड, जिसमें आपको करोग भी देखने को मिलेगी, कामिक देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से Volkswagen ग्रुप के द्वारा दी जा रही है। बाकी फ्रंट का लुक अगर आप देखे थे दोबारा से तो यहाँ पर आपको सेंट्रल एक चैनल मिलता है और यहाँ पर आपको पूरी एक एरोडायनेमिक सरफेस मिलती है, काफ़ी ज़्यादा एंगुलर डिज़ाइन है और बोनेट आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड मिलेगा। दूसरी ओर आरबीएम्स में भी आपको एक पॉइंटेड आउट एंड मिलता है जो कि आपको एक बढ़िया पियानो ब्लैक फिनिश के साथ प्रोवाइड किए गए। डोर हैंडल्स आपको इसमें कन्वेंशनल मिलेंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होल्ड है और फिट ऑफ फिनिश जो इस गाड़ी की है वो टॉप नॉच की है। रूफ आपको थोड़ी स्लोपिंग डिज़ाइन मिलती है, कूपे डिज़ाइन मिलता है, ये भी इसका एक बढ़िया फैक्टर में से कहता हूँ। और अगर मैं आपको रियर में मैंने आपको दिखाया था तो रियर का डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो आपको कोई जैसे स्टेशन वैगन होती है वही कुछ डिज़ाइन मिलने वाला है। इसका आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्लोटिंग, आप यहाँ पे LED लैंप्स देख सकते हैं। बाकी बूट को ओपन करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है,
और इसमें जो आपको बूट मिलता है वो मिलता है 467 लीटर का बूट स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। न्यूमेटिक आपको इसमें सारे स्टड्स दिए गए, तो यार इतनी ज़्यादा क्वालिटी आपको मिलती है, इतनी ज़्यादा बढ़िया मिलती है, तो प्राइसिंग कम होना तो कहीं से बात बनती ही नहीं है। और जो इसमें आपको टेलगेट मिल रहा है, ये भी देखिए आपको पावर टेलगेट मिल रहा है, तो कॉस्ट कटिंग नाम की चीज़ यहाँ पे कहीं की नहीं की है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए आपको दी जाती है। अगर मैं आपको दूसरी बात करूँ इसके रियर की, तो रियर का लुक जो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्लोपिंग मिलता है, एक स्टेशन वैगन डिज़ाइन में से कह सकता हूँ, एक कूपे डिज़ाइन में से कहूँगा। बाकी मैंने आपको इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन दिखाई दिया, और अगर इनकी बात करें, ये आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह अलॉय व्हील्स लगने वाले हैं, लेकिन ये नॉर्मल अलॉय व्हील्स है। 205 45 रेडियल 18 का टायर आपको मिलता है, और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको उसमें प्रोवाइड किए गए इसी के साथ। तो स्काला वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी में से कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर्स में, और वहाँ आपको बताते हैं क्या है पूरा। ये गाड़ी को अभी डायरेक्टली बोरो किया गया है यूरोप से, तो ये सारे आपको सेंसर्स और ये सब कुछ इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इसके रूफ की बात करें, तो ये भी इसमें आपको पूरी रूफ मिलती है। दूसरी ओर अगर आप बात करें इसके सेकंड रो की सीट को, अगर मैं पहले आपको दिखाऊं, तो ये कुछ है इसके सेकंड रो की सीट्स। यहाँ पर आपको एक टेक्सचर्ड मटेरियल प्रोवाइड किया गया, यहाँ पर भी आपको टेक्सचर्ड मटेरियल मिलेगा। स्टेनलेस स्टील फिनिश के साथ आपको पूरी डोर हैंडल्स मिलते हैं, तो ये कुछ है। बाकी अगर फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट में अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको एक टेक्सचर्ड मटेरियल दिया गया, थोड़ा अलग सा डिज़ाइन है इसका, सॉफ्ट टच होने के साथ साथ ये टेक्सचर्ड भी है। और यहाँ पर आपको बढ़िया पैडिंग मिलती है लेदर में, और ये तो कन्वेंशनल है, ज़्यादा ऐसा प्रीमियमनेस आपको फील नहीं होगी, क्योंकि कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट आपको इंटीरियर मिलता है, तो अगर थोड़ा लाइटर शेड होता तो प्रीमियमनेस ज़्यादा फील होती है। ये सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिलता है, और ये कुछ है देखिए, इंटीरियर्स काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होने से इंटीरियर्स का शेड काफ़ी ज़्यादा काला आपको इसमें डार्क लग रहा होगा, तो ये आप थोड़ा मैनेज करिए। अगर आप ट्रांसमिशन की बात करें, तो इसमें आपको दो ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे दो इंजन्स के साथ। पहला है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और दूसरा है 7 स्पीड का DSG ट्रांसमिशन, जिसमें आपको पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं, तो ये भी एक बढ़िया बात मैं से कहता हूँ। और ये इसका पूरा आपको डी कट स्टेयरिंग व्हील मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी परफोरेशन मिलती है। ये इसकी आप 9.6 की फ्लोटिंग डिस्प्ले देख पा रहे होंगे, और ये कुछ है, काफ़ी अच्छी तरीके से लेआउट किया गया है। स्कॉडा अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है, अपने इंटीरियर्स के लिए जाना जाता है। एक IRVM जो आपको उसमें प्रोवाइड किया गया है, आप अभी ऊपर देख पा रहे होंगे, ये भी अच्छी तरीके से आपको मिलता है। बाकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लो सिटिंग पोजिशन में इसे कहता हूँ। देखिए अभी हम इसके अंदर आ गए हैं, और साइलेंट हो चुकी है गाड़ी। इंसुलेशन अच्छा है, लेकिन टॉप नॉच का नहीं है, लेकिन अच्छा दिया गया है। अगर मैं आपको अपना हेडरूम शो करूँ, तो ये मेरा कुछ आपको हेडरूम शो हो रहा होगा। शोल्डर रूम आप देख सकते हैं, हेडरूम मुझे थोड़ा कम लग रहा है, और सिटिंग पोजीशन भी इसकी कुछ ज़्यादा ही डाउन है, जो कि इस मतलब सेगमेंट या ये हैचबैक गाड़ी है तो इतना चल सकता है। बाकी ये कुछ आप देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ है, 12 वोल्ट का चार्जर है। AC के वेंट्स देख सकते हैं, ज़्यादा उतना कुछ नहीं है, लेकिन जो गाड़ी की सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, उसके लिए ये गाड़ी ज़्यादा सेल होती है। 1.5 लीटर TFSI इंजन, जो कि टर्बो फ्यूल स्टेटिफिकेशन इग्निशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, वो आपको कुछ मिलेगा। अगर आप सेकंड रो की सीट्स की बात करें, तो ये कुछ आप इसकी सेकंड रो की पूरी सीट्स देख रहे हैं, देख सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे, यहाँ भी आपको एक प्रॉपर कुशनिंग प्रोवाइड की गई है, एक अंडरथाई सपोर्ट आप देख पा रहे होंगे। तो अभी अगर आप हम चले इसके सेकंड रो के ऊपर, देखें वहाँ क्या आपको पूरा लेआउट मिलता है। यहाँ देखेंगे तो आपको डोर पैनल्स पूरी प्रोवाइड किए गए प्रॉपर, जिसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। दो पॉकेट्स आपको इसमें मिल जाती है, और इसमें जो आपको फ्रंट की सीट्स हैं, इसमें आपको पावर एडजस्टिंग के लिए दिया गया है। देखिए पावर एडजस्टेबल आपको इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगे, 6 एडजस्टेबल आपको इसमें प्रोवाइड की गई, और जो सीटिंग हाइट इसमें दी गई है काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसे कि आपको जो रोल ओवर है कॉर्नरिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा कम फील होगा। और इंटीरियर्स में अगर आते हैं, तो इसमें जो बेंच विथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, स्पेस काफ़ी कम मिलेगा, लेकिन जो सेंटर टनल है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि सेफ्टी वाइज सही है, लेकिन अर्गोनॉमिकली उतना ज़्यादा अच्छी नहीं है। दो पॉकेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, और ये इसके फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड का व्यू देख रहे हैं, थोड़ा सा डार्कर आपको आ रहा होगा। और अगर आप मेरे हेडरूम को देखते हैं, तो आपको हेडरूम शो हो रहा होगा, ये पूरा आपको जो ऊपर मिल रहा है ये फ्लंट मिल रहा है, और इसके ऊपर आपको ग्लास मिलता है। दूसरी ओर ये कुछ है, थर्ड पैसेंजर के लिए भी आपको सेंटर में आर्मरेस्ट इसमें प्रोवाइड किया गया है, और ये कुछ है देखिए।
अगर हम बात करें इसके इंजन ऑप्शंस की तो स्काला में आपको दो इंजन ऑप्शन मिल रहे हैं। जो पहला मिल रहा है वो मिल रहा है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, और जो दूसरा इंजन ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। तो अभी हम देख लेते हैं इसके इंजन ऑप्शंस को। तो ये कुछ आप अभी देख रहे हैं इसके इंजन ऑप्शंस को। ये अभी आप देख रहे हैं इसका 1.5 लीटर का TSI इंजन, और तो अभी आपके सामने है TSI इंजन। TSI आपको Volkswagen ग्रुप देती है कि इंजन मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको उसमें मिलेगा, काफ़ी नीटली डिज़ाइन मिलेगा सब कुछ। ये इसका डायरेक्ट इंजेक्शन बेस्ड पेट्रोल इंजन है, और तो ये कुछ है इसके पावर फिगर अभी रिवील नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अभी सिंगापुर में लॉन्च नहीं हुई है। बाकी बॉनेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बनाई गई है इसकी। तो यही है कुछ स्काउडा स्काला, देख सकते हैं आप। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बूट स्पेस मैं आपको दिखा चुका हूँ, बूट स्पेस अगर आप देखेंगे तो आपको सुनता 467 नियर अबाउट 467 का बूट स्पेस, जो कि आपको हैरियर से भी ज़्यादा मिल रहा है, सेल्टॉस से भी ज़्यादा मिल रहा है। तो एक कहने को तो एक हैचबैक है, लेकिन एक SUV से कम नहीं है क्योंकि उससे ज़्यादा पावरफुल आपको इसमें पेट्रोल इंजन मिल रहा है और भी कई सारी चीज़ें मिल रही है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।